अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगे रंगला श्री रंग, रंगे रंगला श्री रंग, रंगे रंगला श्री रंग, अवघारंग एक झाला, अवघार रंग एक झाला, रंगे रंगला श्री रंग, रंगे रंगला श्री रंग, रंगे रंगला श्री। नारायण नारायण, अह विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, विठुराया तुम्हें मेरा साष्टांग नमस्कार। अरे 33 करोड़ देव देखे, लेकिन आपके जैसा देव कोई नहीं। भक्त पुंडलिक ने ईंट फेंकी और आप उस ईंट पर खड़े हो गए, और वो भी 28 युगों तक। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, भक्तों की श्रद्धा पर इतना लुब्ध होने वाला दूसरा देव ही नहीं, और भक्तों की भी आप पर अपार श्रद्धा। सारे संकटों का सामना करके लाखों भाविक पंढरपुर में आपसे मिलने आते हैं। आ हा हा हा, भाविकों की भीड़, कितना विहंगम दृश्य। अरे ऐसा दृश्य स्वर्ग में भी दिखाई नहीं देगा। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल, अरे विठ्ठल नाम का ये ब्रह्मतेज पंढरपुर में कैसे आया? द्वारका का सांवला कृष्ण भीमा के तट पर कमर पर हाथ रखे 28 युगों से खड़ा है, क्यों और किस लिए? तो भक्तगणों, कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम की, विवाह और विरह की जो कथा है, उस कथा में विठ्ठल अवतार का बीज है। भक्तजनों, कुंडनपुर का राजा भीष्मक अत्यंत थोर और पराक्रमी राजा था। उसकी पत्नी शुद्धमती अत्यंत सुंदर और दयालु थी। लावण्यवती रुक्मिणी उनकी प्यारी बेटी, सुंदर, रूपवान, गुणवान। एक बार बगीचे में विहार करते हुए उसकी सखी ने, मदन मुद्रा ने, उसे कृष्ण के बारे में बताया। रुक्मिणी, 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 हाँ, क्या सोच रही हैं आप? या फिर किसके बारे में सोच रही हो? अब तुमसे क्या छुपाना, मेरे विवाह को लेके मेरे माता पिता बहुत चिंतित है। मुझे अच्छा पति मिले इसलिए मेरी माता व्रत कर रही है। रुक्मिणी, आपको शोभा देगा ऐसा पराक्रमी और सुंदर पुरुष इस मदन मुद्रा ने 2 दिन पहले ही देखा है। मतलब वो यहाँ कुंडिनपुर में है? नहीं रुक्मिणी, वो त्रिभुवन सुंदर मथुरा पर राज करता है। उसके रूप का मैं क्या वर्णन करूं? हजारों लाखों मदन उसके सामने खड़े किए, तब भी उसके जैसा रूपवान कोई नहीं होगा। सखी, उसका नाम तो बताओ। और सखी, पुरुष को सुंदर होना चाहिए और वैसे ही पराक्रमी भी होना चाहिए। पराक्रम में उसका हाथ पकड़ने वाला अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। हम हाथ में फूल पकड़े वैसे उसने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उसका जन्म होकर 6 दिन भी नहीं हुए, उतने में उसने पुतना नाम की राक्षसी को मार भी दिया। उसने जरासंध को कई बार पराजित किया है। सखी, अब रहा नहीं जाता, उसका नाम तो बताओ। हाँ हाँ, उसका नाम है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, उनके जैसा अच्छा पति आपको ढूंढकर भी नहीं मिलेगा। जैसे आप सभी नारियों में श्रेष्ठ हो, वैसे ही वो पुरुषोत्तम है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसी नारी को वो जरूर शोभा देंगे। हजारों जन्म तपश्चर्या करके उनकी दासी बनने का भाग्य मिला, तो भी वो आपका महदभाग्य ही होगा। सखे, उस महापुरुष को देखने की मेरी इच्छा हो रही है। उसके रूप ने और सामर्थ्य ने मुझे मोहित कर दिया है। सखे, मैं उसे प्रत्यक्ष देख के नैनों में समा लेना चाहती हूँ।
मैं उन्हें हृदय आसन पर बिठाना चाहती हूँ। बोलो सखी, मैं उनको कब और कैसे मिल सकती हूँ? रुक्मिणी, हम मदन मुद्रा से बात करेंगे, वो हमारी माता से बात करेगी और उन्हें ये सब सहजता से समझा देगी। सखी, अब उसके बिना रहा नहीं जाता। कृष्ण कृष्ण महाराज, काशीराज का भट कल्याण कीर्ति आपको प्रणाम करता हूं। आइए कल्याण कीर्ति, आइए, आपका स्वागत है। महाराज को देखकर बहुत आनंद हुआ। महाराज भीष्मक को मिलने का मौका आज मिला है। पर सच बताऊं महाराज, आपके बारे में जितना भी सुना था, आप उससे ज्यादा पराक्रमी और दानशूर हो, इसमें कोई शंका नहीं। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। जैसे चंदन की सुगंध को हर जगह पर पहुंचाना हवा का धर्म, वैसे महाराजाओं की कीर्ति हर दिशा में फैलाना ये हम जैसे भाटों का धर्म। राजन, आपकी वाणी में सरस्वती और कर कमलों में लक्ष्मी वास करती है, इसलिए सब आपसे जलते हैं और इसीलिए आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैली है। महाराज, जो आप पर प्रसन्न है, जिसे हर कोई चाहता है पर वो हर किसी को नहीं मिलती, आपकी वो लावण्यवती हर जगह पहुंची है। राजमहलों से लेकर झोपड़ियों तक, मंदिरों से लेकर मदिरा प्राशन करने वाले मदिरा वीरों तक। आप क्या बोल रहे हैं, हमारी लावण्यवती? महाराज, महाराज, उस लावण्यवती का नाम कीर्ति है। कीर्ति हर किसी को चाहिए होती है, पर वो सिर्फ मिलती है आपके जैसे महान पुरुषों को। वाह वाह वाह, आपके जैसे भाट जिस राजा के पास है वो राजा धन्य है। जन्म से और वृत्ति से भाट होने के कारण हमें थोड़ा अधिक बोलना अच्छा लगता है, पर महाराज, हमारे शब्द बाणों का आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं कल्याण कीर्ति, आपकी वाणी इतनी मृदु और सुमधुर है कि फूलों की पंखुड़ियों को भी वेदना न हो। अब आप अपने आने का प्रयोजन तो बताइए। महाराज, आपके भंडार में अनेक रत्न होंगे, परंतु आपके घर में रुक्मिणी नामक रत्न ने जन्म लिया है। इस पूरे जग में रुक्मिणी जैसी सुंदर और सुशील कन्या रत्न नहीं है, इसका पता हमें भी है महाराज। रुक्मिणी को आपने देखा भी नहीं है तो उसका वर्णन कैसे कर सकते हो? महाराज, कीर्ति और अपकीर्ति बहुत तेजी से फैलती है, एक क्षण में यहां तो एक क्षण में कहीं और होती है। अपने मन की बात जल्द ही हमारे होठों पर और जनसामान्यों के होठों पर लाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। महाराज, विधाता की लीला अगाध है, वो रत्न तैयार करता है लेकिन उसके साथ सोने का कवच भी तैयार करता है। आपकी सुंदर, सुशील, त्रिलोक सुंदर कन्या के लिए बहुत ही उम्दा वर मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं। वैसे क्यों, महाराज, ये मेरा मित्र किंकर। प्रणाम महाराज। इसके कंठ में गंधर्व के सूर हैं, पूरे भारत खंड का इसे ज्ञान है, सभी राजाओं को यह जानता है, आपकी कन्या के लिए सुयोग्य वर ये निश्चित ही बताएगा। महाराज, आपका नाम भीष्मक, भीष्मक यानी भयंकर? हाँ, युद्ध भूमि में चाहे आप भयंकर हो लेकिन दिल से आप बहुत ही मृदु हो। महाराज, कैलाश के पास बाणासुर, मगध का जरासंध, मणिपुर का राजा रत्नशिखर, अयोध्या का वीरधवल, चेदी देश का शिशुपाल, पांचाल का द्रुपद, सौराष्ट्र का सौरवीर, महाराष्ट्र का रत्नयुद्ध। महाराज, राजे तो बहुत है, शूर है, सुस्वरूप है, पराक्रमी है, परंतु आपकी कन्या रुक्मिणी के सौंदर्य और आपकी प्रतिष्ठा को शोभा दे ऐसा एक ही सम्राट है, उसका नाम है कृष्ण, कृष्ण, श्री कृष्ण। महाराज, उसके पराक्रम का वर्णन मैं क्या करूं? चंद्र और सूर्य का ग्रहण अल्पकाल होता है, पर शत्रु को लगा कृष्ण पराक्रम का ग्रहण कभी खत्म नहीं होता है। महाराज, कृष्ण को देखने में जितना आनंद मिलता है उसके सामने ब्रह्मानंद भी कम है। महाराज, कृष्ण के नजर में भंवर है भंवर, जैसे भंवर में अटका मनुष्य छूटता नहीं, वैसे कृष्ण की नजर में अटका कभी नहीं छूट पाता। वाह वाह वाह, श्री कृष्ण की कीर्ति तो सभी जानते हैं,
सच कहता हूं किंकर, ऐसा जमाई मिलने के लिए भाग्य लगते, पर रुक्मिणी अभी छोटी है, इसलिए उसे भी तो पूछना चाहिए। महाराज, रुक्मिणी की सखी मदन मुद्रा अब तक श्री कृष्ण से मिल भी चुकी है। अब जब दो सखियां एक दूसरे से मिलेंगी, तब ऐसे दिव्य पुरुष के बारे में चर्चा होना स्वाभाविक है। कल्याण कीर्ति, आप और आपके मित्र किंकर, इनका हमें बहुत अभिमान है। ऐसे बुद्धिमान सेवक मिलने के लिए बहुत भाग्य लगता है। अब आप कुंडिनपुर के अतिथि हैं, इसलिए आपका यथोचित सत्कार करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। सेवक। धन्यवाद महाराज। माते प्रणाम। मदन मुद्रा, क्या हुआ है तुम्हें? चिंतित लग रही हो, क्या हुआ? माते, रुक्मिणी का उनके प्रति प्यार दिन ब दिन ही नहीं, क्षण क्षण बढ़ते जा रहा है। किसका विचार कर रही है? श्री कृष्ण का। उसे श्री कृष्ण से प्यार हो गया है माते। अब समझ में आया, तभी उसका कहीं ध्यान नहीं है। यहां तक कि साज श्रृंगार भी भूल गई है, कहीं कहीं पर भी ध्यान नहीं है। ठीक है, मैं समझाती हूं उसे, आओ मेरे साथ। रुक्मिणी, ऐसा क्या हुआ है कि दो दिन से तुमने खाना भी नहीं खाया? मैं तुम्हारी माँ हूं, मुझे नहीं बताओगी? बोलो बेटी, बोलो। जितना दुख बच्चों को होता है, उससे कई ज्यादा दुख माँ को होता है। बोलो रुक्मिणी, क्या हुआ है? माते, दिन रात मेरे मन में एक ही ख्याल आता है, श्री हरि का, मुकुंद का, द्वारकाधीश श्री कृष्ण का। अरे पर तुमने उन्हें देखा भी नहीं है। माते, उन्हें मिलने की क्या आवश्यकता है? मेरे सखी से मैंने उनका वर्णन सुना है, वो सर्वश्रेष्ठ है, भगवान विष्णु के अवतार है। युगों युगों से मैं उन्हीं के लिए जन्म ले रही हूँ। ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हारे पिताजी से बात करूंगी। विचार विनिमय नहीं माते, मेरा विवाह उनसे होना कितना आवश्यक है ये उन्हें समझाओ। इतना करोगी ना माते? हाँ रुक्मिणी, मुझे नहीं लगता महाराज इस विवाह के लिए ना कहेंगे। लो, ये दूध पी लो। बिल्कुल चिंता मत करो। आइए आइए महारानी, आइए। महाराज, आपसे कुछ बात करनी थी। महारानी, अनुमति की क्या जरूरत है? बैठिए। महाराज, आपने रुक्मिणी के विवाह के बारे में सोचा है? सच कहूं तो ना, हमें वो अभी भी बालक ही लगती है। नहीं महाराज, वो अभी 16 बरस की है। इस उम्र में बच्चे सपने देखने लगते हैं। रुक्मिणी ने आपसे कुछ कहा है क्या? हाँ, द्वारकाधीश श्री कृष्ण से उसकी विवाह करने की इच्छा है। अच्छा, प्रेमियों का दिल दुखाना अच्छा नहीं। महारानी शुद्धवती, अब रुक्मिणी की माता है यह हम मानते हैं, द्वारकाधीश तो सभी को प्रिय है, श्री कृष्ण जैसा दामाद मिलना यह तो महत भाग्य है। रुक्मिणी हमारी कन्या है, परंतु उसके भ्राता का, विशेषता रुक्मी का विचार क्या है, इसके बारे में अवश्य सोचिए। कुछ भी हो, रुक्मिणी का विवाह उसके इच्छानुसार ही होना चाहिए। आप कह रहे हैं ये योग्य है महारानी। रुक्मिणी, वो रंग बिरंगे फूल देखे, कितने सुंदर है ना? ये पानी से भरा हुआ तालाब, ये नेत्र सुख देने वाली हरियाली, सच सब कुछ कितना नयनरम्य है यहाँ। सखे,
इस नयन रम्य वातावरण में मुझे मुकुंद की याद आ रही है। कितने सुंदर है ना द्वारकाधीश, उनके तेजस्वी नयन, सावला रंग, शक्तिशाली बाहु और मुझे घायल करने वाला दैवी स्मित। सच में उनके प्रेम ने मुझे पागल कर दिया है। बताओ ना सखी, मैं उन्हें कब और कैसे मिलूं? हाँ हाँ देवी, राजकुमारी संभालिए खुद को, इतना भी प्रेम ज्वर अच्छा नहीं। बताओ ना सखी, मैं मेरे प्रेम भावनाओं को श्री कृष्ण तक कैसे पहुंचाऊं? मिल गई, एक युक्ति मिल गई। आप द्वारकाधीश के पास दूत भेजिए और उसके साथ अपना प्रेम संदेश भी दीजिए। सच में कितनी अच्छी युक्ति बताई है तुमने। प्रणाम पिताश्री, माताश्री प्रणाम। आयुष्यमान भव, विजय भव। रुक्मी, तुम्हारे जैसा ज्येष्ठ पुत्र और रुक्मिणी जैसी कनिष्ठ कन्या कई जन्मों के पुण्य से ही प्राप्त होती है। रुक्मिणी आप विवाह योग्य है। विदर्भराज भीष्मक के प्रतिष्ठा को शोभा दे ऐसा दामाद मिलना चाहिए, नहीं हो तो मिल गया है। हमारे सुलक्षणी रुक्मिणी के लिए द्वारकाधीश वर रूप शोभा देंगे, सही है ना? अशक्य, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। पिताश्री, आप उसे द्वारकाधीश कहते हो, लेकिन वो ग्वाले का पुत्र है, ये मत भूलिए। खुद के मामा को मारने वाले पर कौन भरोसा करेगा? उसे एक पिता नहीं, कोई कहता है नंद का पुत्र, कोई कहता है वसुदेव, जिसे कुल नहीं, गोत्र नहीं, जन्मपत्री नहीं, जो दूसरों के घर माखन चोरी करता है वो कृष्ण मेरी बहन का पति हो ही नहीं सकता। रुक्मी, कृष्ण ने अपने मामा को कंस को मार के एक अहंकारी वृत्ति का नाश किया है। उसने कंस को मार के उसका उद्धार ही किया है। तुम कहते हो उसे दो पिता है, उसमें विशेष क्या? शास्त्रों ने तो पांच पिता कहे हैं, जन्मदाता, अन्नदाता, विद्यादाता, कन्यादाता और भयत्राता। अब देखो, वसुदेव जन्मदाता, नंद अन्नदाता, सांदीपनी विद्यादाता, और मैं उसे कन्या देने वाला, मतलब कन्यादाता, उसका पिता ही होने वाला हूं, और वो स्वयं श्रीकृष्ण सबका भयत्राता है। तो अब बचा ही क्या? पत्रिका, कुल, गोत्र। अरे कृष्ण स्वयं निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसे कुल, पत्रिका, गोत्र चाहिए किस लिए? पिताश्री, आप कृष्ण को वीर कहते हो, लेकिन वो वीर कहां? काल यवन को देख के वो भाग गया, तब उसका रक्षण मुचकुंद ने किया। उसने केशी, यदासुर, अरिष्ट, वक्रासुर, इन जैसे सामान्य शत्रुओं को मारा, उसे हम वीर कहेंगे? रुक्मी, तुम्हारे सामान्य बुद्धि पर मुझे तरस आता है। शत्रु को रणभूमि से दूर ले जाकर मारना ये एक रणनीति है, इसलिए सैन्य को बचाकर शत्रु का नाश किया जाता है। कृष्ण रणनीति कुशल है, इसलिए उसने मुचकुंद की मदद लेकर कालियवन को मार डाला। रुक्मी, पांडुरोग हुए आदमी जैसे तुम्हें भी सब पिलाई दिख रहा है। तुम जैसे नास्तिकों को कृष्ण दिखता नहीं है, भक्त को वो सभी जगह जल स्थल काष्ठ पाषाण अणुओं में भी दिखता है। सगुण के कल्याण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए उसने मत्स्य और कूर्म रूप धारण किए हैं। जब शंकासुर वेद लेकर समुद्र में गया, तब उसे ढूंढ निकालने के लिए कृष्ण ने मत्स्य रूप धारण किया, और जब समुद्र मंथन के वक्त मंदार पर्वत गिरने लगा, तब उसने कूर्म रूप धारण किया। बलि राजा के दातृत्व का गौरव करने के लिए उसके द्वार पर द्वारपाल बना। अमृत पीकर राक्षस बलशाली ना हो, इसलिए उसने मोहिनी का रूप धारण किया। ईश्वर का यह अवतारी रूप बड़े बड़े ज्ञानी और साधुओं को पता नहीं चला, तुम्हें क्या पता चलेगा? छोड़ो, पुत्र प्रेम में बलशाली सम्राट भी हदबल हो जाता है। रुक्मी, तुम्हारे मन में और कोई है तो बताओ। हां, मेरी बहन और हमारी प्रतिष्ठा के लायक ऐसा एक ही शूर वीर योद्धा है, और उसका नाम है शिशुपाल। क्या, शिशुपाल? नहीं, कदापि नहीं। रुक्मी,
शिशुपाल तुम्हारा मित्र है, सखा है, ये मैं जानती हूं, पर श्री कृष्ण से शिशुपाल की तुलना ही नहीं हो सकती। माते, शिशुपाल के पराक्रम के बारे में आप नहीं जानती। जरासन की सेना को देखकर भागने वाले उस भगोड़े कृष्ण को हराना शिशुपाल के लिए मामूली बात है। रुक्मी, भावनाओं के अधीन होना यह तुम्हारा बड़ा दुर्गुण है। खून का रिश्ता और मित्रत्व, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज जो तुम्हारे मित्र है वो सदा के लिए तुम्हें साथ देंगे या नहीं, ये सोचो। द्वारकाधीश से रुक्मिणी का विवाह होना यह महदभाग्य है। नहीं पिताश्री, नहीं, कृष्ण के साथ खून का रिश्ता जोड़ने के लिए मेरा विरोध है। रुक्मी पुत्र, अपने बहन के बारे में सोचो। श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पति उसे कदापि मान्य नहीं होगा। माते, रुक्मिणी से ज्यादा राज का और हमारे पराक्रमी वंश के बारे में सोचो। रुक्मी, याद रखो, द्वारकाधीश श्री कृष्ण किसी भी बात में हमसे श्रेष्ठ ही है। नहीं पिताश्री, नहीं, कृष्ण का विवाह अगर रुक्मिणी से हुआ तो वो मेरा अपमान होगा। जरासंध, शाल, शिशुपाल, ये मेरे साथी है, वो भी बुरा मानेंगे। कृष्ण से ज्यादा पराक्रमी बहुत से योद्धा विवाह के लिए तैयार होते हुए भी रुक्मिणी का विवाह उस ग्वाले से करने का विचार आपके मन में आया ही कैसे? पिताश्री, रुक्मिणी जवान है, कृष्ण के बारे में उसके मन में उठने वाले विचार अपरिपक्व है। उसे आप समझाइए, उसे कहिए जब तक ये रुक्मी जिंदा है तब तक उसका विवाह कृष्ण से नहीं होगा। रुक्मी, क्रोध से कुछ भी हासिल नहीं होता, खुद को संभालो और ठीक से सोचो। एक बात याद रखो, तुम्हारे पिताजी महाराज हैं, काबिल हैं, अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर ढूंढ सकते हैं। पुत्र, तुम्हारे अंदर का ये क्रोध किसी दिन तुम्हें संकट में डाल सकता है। बस बस बस, अगर आपको मेरा निर्णय मान्य नहीं है तो ये राज वैभव छोड़कर मैं चला। रुक्मी रुको, पुत्र प्रेम के सामने पिता कुछ नहीं कर पाता। जाओ, रुक्मिणी के स्वयंवर के लिए देश विदेश के राजाओं को आमंत्रित करो, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, आपने ये क्या किया? महारानी, विवाह स्वर्ग में बनते हैं, हम पृथ्वी पर उन्हें सिर्फ मनाते हैं। श्री कृष्ण केवल राजा ही नहीं, वो एक परम तत्व है। नारायण नारायण। अरे अरे, कितना ये दुख, युद्ध में अपना राज्य गंवाने के बाद जितना दुख होता है उतना, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ही दुख अपने प्रिय व्यक्ति के विरह से होता है। नारायण नारायण। मुनिवर प्रणाम। राजकुमारी, त्रिखंड में भ्रमण करने वाला, यहाँ की वार्ता वहाँ और वहाँ की वार्ता यहाँ देने वाला, मैं एक दूत ही हूँ ऐसा समझो। हाँ, अब अगर तुम्हारी वार्ता श्री कृष्ण तक पहुंचानी हो तो ये काम मैं अवश्य करूंगा। मुनिवर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। मेरे विवाह को लेके मेरे घर में मतभेद निर्माण हो गए हैं। रुक्मी भैया की ये इच्छा है कि मेरा विवाह श्री कृष्ण से ना हो। कौन क्या सोचता है इसकी परवाह तुम मत करो। अरे, तुम्हारे जितना ही श्री कृष्ण भी तुमसे प्रेम करते हैं। अब साक्षात भगवान की इच्छा के आगे रुक्मी नाम के पामर की चिंता क्यों करे? पर श्री कृष्ण को मैं पसंद आऊंगी, वो मुझसे प्रेम करेंगे क्या? अरे प्रेम, ये उनका स्वभाव ही है, कई रानियां और 16,000 नारी। भगवान का तो सब कुछ निराला। नारायण नारायण। मुझे बताइए, श्री कृष्ण जैसे त्रिलोक के सुंदर ने मुझ पर आसक्त होने जैसा मुझ में क्या है? उल्टा मैं पूछता हूँ, श्री कृष्ण में प्रेम करने जैसा है ही क्या? अरे, उम्र में तुमसे बड़ा और पहले ही विवाह हो चुका है, मतलब शायद आप श्री कृष्ण को नहीं पहचानते।
श्री कृष्ण जैसा दिव्य सौंदर्य किसी के पास नहीं है। वो भगवान है, समस्त धोरण के स्वामी है, तीन गुणों के स्वामी है, श्रेष्ठ देवों के उपासक है, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासन जैसे सामान्य महाराजाओं को पराभूत करने के लिए उन्हें एक क्षण ही काफी है। नारायण नारायण, ये तुम्हें किसने बताया? क्योंकि राजकुमारी, इससे पहले तुमने श्री कृष्ण को कभी नहीं देखा। मेरे सखी से मैंने मुकुंद के बारे में बहुत सुना है, उनका सौंदर्य मैंने अंतचक्षुओं से देखा है। उनकी प्रगल्भ बुद्धिमत्ता और अलौकिक सामर्थ्य मैं जानती हूँ। मुनिवर, मैं सिर्फ उनकी एक जन्म की नहीं बल्कि 7 जन्मों की सखी हूँ। आप उन्हें जाके बताइए कि उनकी याद में रुक्मिणी घायल हो गई है। उन्हें कहिए पेड़ों में, पत्तों में, फूलों में, सभी में वो आप ही को देखती है। नारायण नारायण, राजकुमारी, अगर ये संदेश मैं दूंगा तो श्री कृष्ण के मन में संदेह उत्पन्न होगा, क्योंकि क्या है, मेरे शब्दों का सब विपर्यास करते रहते हैं। इसलिए आप ऐसा कीजिए, आपकी भावनाएं योग्य प्रकार से श्री कृष्ण तक पहुंचा सके ऐसा विद्वान ही श्री कृष्ण के पास भेज दीजिए। हाँ मुनिवर। कल्याणमस्तु। नारायण नारायण। सखी 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 सखी। आज्ञा करे देवी। सखी, हमारे नगरी में सुदय नाम का एक विश्वासु और सुदन्य ब्राह्मण रहता है, जाओ उसे ले आओ। अरे लेकिन, परंतु के लिए समय नहीं है, उसे द्वारका भेजना है मेरा प्रेम संदेश लेकर। जैसी आपकी आज्ञा। कृष्ण 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 कृष्ण। प्रणाम देवी। आचार्य सुदेव जी प्रणाम। आयुष्यमान भव। देवी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, चेहरा भी चिंताग्रस्त लग रहा है। देवी, आप परेशान लग रही हो, कहिए कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आचार्य, मेरे मन में सिर्फ कृष्ण के विचार है, काया और वाचा से मैंने श्री कृष्ण को वर लिया है, परंतु भैया को ये विवाह मान्य नहीं है। आचार्य, अब आप ही बताइए, मन के खिलाफ किसी पुरुष से विवाह करना ये गुनाह ही है ना? आचार्य, आप श्री कृष्ण से जाके मिलिए, उन्हें मेरी व्यथा बताइए, उन्हें कहिए रुक्मिणी आपका बहुत इंतजार कर रही है। देवी देवी, ये काम मैं जरूर करूंगा। प्रेम में दूत के शब्द से अधिक प्रेमिका के शब्द का महत्व ज्यादा होता है। मेरी भाषा अलंकारिक होगी, लेकिन उससे अधिक आपके प्यार भरे दो शब्द ज्यादा महत्व रखते हैं। देवी देवी, आप एक पत्र लिखकर मुझे दीजिए, मुझे विश्वास है आपके शब्द श्री कृष्ण का दिल जीत लेंगे। आचार्य, मैं आपसे अनुभव में बहुत छोटी हूं, मैं उन्हें पत्र जरूर लिखूंगी। प्रणाम देवी।
यदुकुल श्रेष्ठ, सामर्थ्य संपन्न, सर्वश्रेष्ठ धनवान, परम प्रसिद्ध, परम बुद्धिमान, परम सुंदर और परम त्यागी द्वारकाधीश श्री कृष्ण महाराज की जय हो। आइए ब्राह्मण श्रेष्ठ, आइए आप हमारा आसन ग्रहण कीजिए और आपके आने का प्रयोजन बताइए। हे मुकुंद परब्रह्म, कुंडनपुर से राजकुमारी रुक्मिणी का संदेश लेके मैं आया हूं। रुक्मिणी देवी का संदेश? थोड़ी प्रस्तावना करेंगे? राजकुमारी रुक्मिणी आपसे बहुत प्रेम करती है, भगवान श्री कृष्ण के साथ ही अपना विवाह हो ऐसा उन्हें लगता है, परंतु उनके ज्येष्ठ बंधु रुक्मी वो इस विवाह के विरुद्ध है। राजा शिशुपाल इनके साथ ही अपनी बहन का विवाह हो ऐसा उन्हें लगता है। इतना ही नहीं, अपने माता पिता के इच्छा के विरुद्ध जाकर उन्होंने अपने बहन का स्वयंवर रचा है और इस स्वयंवर में राजा जरासंध, तमोघोष और पुत्र शिशुपाल, दंतवक्र, विदुरक, पौंडरुक ऐसे प्रमुख महाराज आएंगे। ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसे रुक्मिणी हमसे प्रेम करती है वैसे हम भी उससे निस्सीम प्रेम करते हैं। सुंदर सुकुमार रुक्मिणी हमारे हृदय में वास करती है, मन में बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कब उनसे मिलूंगा। वाह मुकुंद, याभूत पूर्व प्रेम संगम ही है। रुक्मिणी के इच्छा बिना कोई उससे विवाह करे ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं। द्वारकाधीश, रुक्मिणी देवी ने दिए हुए इस पत्र का स्वीकार कीजिए। हे द्वारकाधीश अच्युत, त्रिभुवन सुंदर, जो कोई आपके सुंदर रूप के बारे में, लीलाओं के बारे में सुनता है वो सिर्फ सुनते ही आपके नाम रूप गुण में मग्न हो जाता है। आप लक्ष्मी देवी के पति है, भक्तिवत्सल हो, इसलिए मैंने आपकी नित्य दासी होने का निश्चय किया है। हे कमल नयन, अब मैं आपकी हो चुकी हूं। अगर सिंह का भक्ष लोमड़ी चुरा ले जाए तो यह हास्यास्पद है, इसलिए आपसे मेरी ये प्रार्थना है, शिशुपाल और किसी और राजा से मेरा अपहरण होने से पहले मेरा आप स्वीकार करिए। आपकी रुक्मिणी। ब्राह्मण श्रेष्ठ, पहले आप हमारे आदरातिथ्य और सम्मान का स्वीकार करें और बाद में कुंडिनपुर जाइए। जैसी आज्ञा। और रुक्मिणी से कहिए, हे देवी आप निश्चिंत रहिए, योजना अनुसार प्रत्यक्ष श्री कृष्ण आएंगे। जंगली श्वापदों के झुंड से जैसे हिरण के बच्चे को बचाया जाता है वैसे ही आपको भी बचाएंगे। हां महाराज। बलराम, बलराम आइए मुकुंद, आज सीधे व्यायाम मंदिर में। बलराम हम कुंडिनपुर जा रहे हैं। लगता है कुंडिनपुर के भीष्मक राजा से नाता जोड़ना चाहते हैं आप। बलराम, कुंडिनपुर की राजकन्या बहुत ही सुंदर है। होगी ही, वो हमसे बहुत प्रेम करती है। वो तो होगा ही, लेकिन इस विवाह को उसके भ्राता की यानी रुक्मी की बिल्कुल सम्मति नहीं है। वो तो होगा ही। बलराम आप हंसिए मत, हम सत्य ही बता रहे हैं। मजाक और मेरे इस भाई का?
मैंने सत्य कहा, मेरा भाई है ही सुंदर और पराक्रमी। राजकन्या उस पर प्रेम नहीं करेगी तो क्या जरासंध और वक्रदंत पे करेगी क्या? कृष्ण, तुम्हारा विवाह भीष्मक राजा की कन्या रुक्मिणी से ही होगा, और जो कोई इसे विरोध करेगा उसे मेरा और इस गदा का सामना करना होगा। कृष्ण, तुम अवश्य जाओ, मैं और मेरा सैन्य तुम्हारे रक्षण के लिए तैयार है। कृष्णा, कृष्णा, मुरारी। रुक्मिणी। कृष्णा, कृष्णा, मुकुंदा, मुरारी, कृष्णा। रुक्मिणी। कृष्णा, कृष्णा, मुरारी, कृष्णा। कौन, किसका है ये दिव्य स्पर्श? मैं हूं कृष्ण, तुम्हारा सखा। कृष्णा, आज आपको देखा और मेरे जीवन का सार्थक हो गया। रुक्मिणी, तुम्हारा सौंदर्य देख के मेरे जीवन का सार्थक हो। मुझे आपकी पट्टे रानी बनना है। अरे पगली, इसीलिए तो तुमसे मिलने आया हूँ। आप मुझे बताइए, आपकी सभी रानियों में मैं आपकी पसंदीदा बनूंगी ना? मैं सबसे प्यार करता हूँ, सभी मेरी प्रिय है। ऐसे नहीं, सभी रानियों में आप मुझसे ज्यादा प्रेम करोगे ना? अरे पगली, प्यार भी कोई बांटता है क्या? लेकिन ये निश्चित कि तुम ही मेरी सबसे प्रिय प्रिय पट्टरानी होगी। हाँ मुकुंदा, आप मुझे द्वारका ले जाओगे ना? अवश्य, तुम्हें द्वारका ले जाऊंगा, पर उचित समय। सच? हाँ मुकुंदा, कृष्णा, कहाँ हो आप? मुकुंदा, कृष्णा, कृष्णा, मुकुंदा। रुक्मिणी, रुक्मिणी। कृष्णा, अरे तुम किसे पुकार रही हो? यहाँ पर तो कोई नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है, प्रत्यक्ष मुकुंद मेरे साथ थे। कहाँ गई तुम्हारी सखियां, भाव मुद्रा, मदन मुद्रा? मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष मुकुंद मेरे साथ है। वो आपको नहीं दिखेंगे पर मुझे दिखते हैं। तुम ज्यादा मत सोचो और चिंता भी मत करो, तुम्हारा विवाह उन्हीं से होगा। माते, ये कैसे होगा? रुक्मी भैया को ये विवाह मान्य नहीं है। रुक्मी को समझाने की हम कोशिश करेंगे। माते, पर रुक्मी भैया तो कृष्ण को नीच मानते हैं। वो अहंकार में अंधा हो गया है। उसका मित्र शिशुपाल, उसकी माता श्रुतश्रोवा, ये वासुदेव की सगी बहन है, मतलब कृष्ण की बुआ। तो मुझे बताओ, श्री कृष्ण हमसे कनिष्ठ है? नहीं ना? रुक्मिणी, अंधे को हम निद्रा से जगा सकते हैं, लेकिन जो जानकर अंधा बना बैठा है उस रुक्मी को हम कैसे समझाएंगे? माते, अब आप ही बताइए, मैं किसका आधार लूं? बेटी, सत्य को और प्रेम को किसी आधार की जरूरत नहीं होती। कृष्ण भगवान परम सत्य है, उनके इच्छा अनुसार सब ठीक होगा। इसके साथ मेरे आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारा विवाह उन्हीं से होगा। पिताश्री, 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 माताश्री, प्रणाम। युवराज, कुछ नई वार्ता? हाँ पिताश्री, पिताश्री, चारों दिशा से पराक्रमी राजाओं के रथ आ रहे हैं। महाराज, मेरा मित्र शिशुपाल भी आ रहा है। पिताश्री, उसके स्वागत के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। युवराज, शिशुपाल और अन्य राजाओं का योग्य स्वागत करो। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, शिशुपाल सेना के साथ आया है, उसे कृष्ण के साथ युद्ध तो नहीं करना है ना?
महारानी, उसने अगर ये दुस्साहस किया तो उसके फल क्या होंगे ये शिशुपाल को पता ही होगा। रुक्मिणी की इच्छा अनुसार स्वयंवर हुआ तो अच्छा ही होगा। मेरी प्यारी बेटी, उसके साथ ही ऐसा क्यों? महारानी चिंता मत कीजिए, सब कुछ अच्छे तरीके से ही होगा। हमारी प्यारी बेटी किधर है? उसे वधू वेश में मुझे सजी हुई देखना है। अब तक वो दुर्गा पूजा के लिए मंदिर के लिए निकल भी गई होगी। माते, विवाह का समय समीप आ गया है, फिर भी श्री कृष्ण कैसे नहीं आए? माते, मेरी मदद करो, मुझे पति के रूप में श्री कृष्ण ही चाहिए। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गाक्षमाशुभदात्रीं स्वाहा सदा नमोस्तुते। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरुज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। महाकाय सूर्यकोटि समप्र निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते। शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेति सर्वज्ञोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति येषां मंगलं येषां यस्तु भगवान् मंगलायस्तनो हरि। रुक्मिणी, देवी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुकुंद, मुझे ले चलो। शुभ स्वागत। कुंडिनपुर में आपका स्वागत है। राजपुत्र, रुक्मिणी के विवाह की तैयारी देखकर हमारी आंखें तृप्त हो गई। देश विदेश के राजा राजपुत्र यहां रुक्मिणी को जीतने के लालच में आए होंगे, पर वो सब जानते हैं रुक्मिणी का विवाह केवल शिशुपाल के साथ ही हो सकता है। हाँ शिशुपाल, रुक्मिणी और तुम्हारे विवाह की ही मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो क्षण अब दूर नहीं, पर मित्र, वो दुष्ट पातकी विश्वासघाती कृष्ण पर तुम्हारा ध्यान है, उस पर विश्वास मत रखना। वो कहीं भी कभी भी कपट नाट्य खेलने में माहिर है। महाराज, भीष्मक, शिशुपाल और जरासन की सेना देखकर कुंडिनपुर में आने का साहस वो ग्वाले का पुत्र नहीं कर सकता। और अगर उसने ऐसा दुस्साहस किया भी तो वो द्वारका वापस नहीं जा पाएगा। एक बार ये विवाह हो जाने दो, उस कृष्ण को पराभूत करने के लिए मेरी सेना तत्पर है। मित्र शिशुपाल, ज्यादा समय नहीं है, मेहमानों के स्वागत के लिए जाना पड़ेगा, अनुमति दे दो। अवश्य अवश्य। राजपुत्र। बोलो मित्र। चाल चल रहा हूं। अवश्य। ये रही मेरी चाल। अब मेरी चाल। अवश्य। ये मेरी चाल। जीतम जीतम जीतम। महाराज की जय हो। सेवक, कुछ समाचार? जी महाराज, एक बहुत ही लज्जास्पद घटना है। क्या हुआ, क्या हुआ है, कुछ बोलोगे भी? महाराज,
रुक्मिणी देवी जब दुर्गा मंदिर में थी तब उस कृष्ण ने उनका अपहरण कर लिया। क्या? रुक्मिणी का अपहरण हो गया? नहीं, ये मैं कदापि नहीं सह सकता। शिशुपाल, सेना को आदेश दो, मेरी बहन को भगाकर लेकर जाने वाले कृष्ण के सर्वनाश की घड़ी आ गई है। कृष्ण के जीवन का ये अंतिम दिन होगा। अंतिम? अंतिम। पिताश्री, पिताश्री। क्या हुआ पुत्र? देखा उस दुष्ट कृष्ण ने क्या किया? देखा, उसने रुक्मिणी का अपहरण किया है। क्या? पर ये हुआ कैसे? इतने राजाओं और सेनाओं के बीच कृष्ण रुक्मिणी को लेकर कैसे गया? कृष्ण किसी भी विरोध के बिना रुक्मिणी को ले गया। हमारा पराक्रम, शौर्य, धनुर्विद्या सब मिट्टी में मिल गई। इस घटना से हमारे कीर्ति को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। कृष्ण रुक्मिणी को लेकर गया, यह सत्य है। हे दुष्ट कृष्ण, याद रखो, तुम मेरी बहन से, रुक्मिणी से विवाह नहीं कर सकोगे। तुम्हें पराजित करके रुक्मिणी को वापस लेकर आऊंगा, अन्यथा इस भूमि पर पैर नहीं रखूंगा। जरासन, शैल्य, शिशुपाल, दंतवक्र, इनकी सेनाएं तुम्हारा सर्वनाश करेगी। हाँ, ये तुम्हारे सर्वनाश का दिन है। चलो मित्र। पुत्र रुक्मी। रुक्मी, मुकुंद, भैया और शिशुपाल का सैन्य हमारा पीछा कर रहा है, तीरों की बौछार कर रहे हैं। रुक्मिणी, मेरे सामर्थ्य पे तुम्हें विश्वास है ना? तो फिर देखो मेरा पराक्रम। अरे यदुवंश कलंक श्री कृष्ण, कहां भाग रहे हो? मेरे साथ युद्ध करो। ये लो प्राणघातक तीर। अरे ओ भगोड़े, ये लो प्राणघातक तीर। मूर्ख, ये मेरा बाण लेगा तुम्हारा प्राण। कृष्ण, मैं आ गया हूँ। शिशुपाल और रुक्मी के सैन्य का नाश किए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। बलराम, तुम उत्तर की ओर से हमला करो। अवश्य कृष्ण। अरे ओ भगोड़े, भाग कहाँ रहे हो? धर्म युद्ध करना तुम्हें नहीं आता है, अब मुझसे सामना है। रुको, अब मेरे बाणों की बौछार से बच के दिखाओ। सखी रुक्मिणी, मेरे हाथों तुम्हारे भ्राता का वध ना हो। मुकुंद, उसका गर्व नष्ट करो, पर उसके प्राण मत लेना, अन्यथा मेरे भाई की मृत्यु का कारण मैं हूँ, ऐसा लोग कहेंगे। अरे भाग कहाँ रहे हो भगोड़े, युद्ध करो, युद्ध करो। Oh.
नहीं श्री कृष्ण, मेरे भाई को मत मारिए श्री कृष्ण, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, उसे मत मारिए। सैनिक हो, इस रुक्मी को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ, उसे विद्रूप करो और कुंडिनपुर को वापस भेज दो। श्री कृष्ण, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? मेरे माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए तो मैंने उसे जीवित छोड़ा। रुक्मिणी, तुम क्लेश मत करो, द्वारका नगरी आपके विवाह के लिए सज्ज है, तो हमें जाना होगा, चलिए। महाराज, कृष्ण रुक्मिणी को लेकर गया, अब आगे क्या करने का सोचा है? महारानी शुद्धवती, कृष्ण रुक्मिणी को ले गया ये अच्छा ही हुआ, पर मेरे मन में एक विचार शुरू है। कन्यादान करना चाहूं तो पुत्र रोज मेरे नसीब में होगा, और कन्यादान ना करूं तो पवित्र संस्कार को लात मारने जैसा होगा। महाराज, कृष्ण ने रुक्मिणी का अपहरण किया है उसके इच्छा के खिलाफ नहीं, उसकी भावना का आदर करके कृष्ण ने रुक्मिणी के प्रेम का स्वीकार किया है। हम द्वारका जाके अपनी कन्या के विवाह में शामिल होंगे, जितना आनंद वरवधु को होगा उतना ही आनंद कृष्ण के माता पिता को भी होगा। हम विवाह में उपस्थित रह के वधूवर को आशीर्वाद देंगे। महारानी, जो आप कहती है वो योग्य ही है, हमें विवाह को जाना ही चाहिए, चलिए। मंगल्ये शिवे सर्वासारिगे शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। शुक्लाम्बरं धरमदेवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेति सर्वज्ञोपशान्तये सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति येषां मंगलं येषां व्यवस्थो भगवान् मंगलाय स्तनो हरि। महाराज, इस शुभ मुहूर्त पे आप कन्यादान कीजिए। हे कन्या, सुवर्ण अलंकारों से संपन्न करके विष्णु रूप में तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए तुम्हें भेज रहा हूं, इसके सर्व देव देवता साक्षी है। सर्व पूर्वज के उद्धारों के लिए ये कन्या मैं तुम्हें दे रहा हूं। कल्याणमस्तु, ओम शांति, पुष्टिस तुष्टिस शास्तु, कई है तथास्तु तथास्तु। महाराज, श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह कितने अच्छी तरीके से संपन्न हुआ, नहीं ऐसा अद्भुत विवाह मैंने तो नहीं देखा। पर महारानी, इस विवाह में मुझे एक चीज की कमी जरूर लगी। वो क्या है महाराज?
मेरा सबसे ज्येष्ठ प्यारा पुत्र रुक्मी इस विवाह में आ नहीं पाया। मुझे भी बहुत बुरा लगा, पर क्या करें, उसका अहंकार कम ही नहीं होता। श्री कृष्ण जैसा बहनोई भाग्य से मिलता है ये समझने में उसे वक्त लगेगा। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, उसकी दिनचर्या कैसी चल रही है, कुछ भी पता नहीं। महारानी, रुक्मी असली क्षत्रिय है और असली क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित नहीं होता। इसका अर्थ उनकी शत्रुता कम नहीं होगी? महाराज, आप अनुभवी हैं, कुछ भी कीजिए लेकिन इनकी शत्रुता मिटाइए। महारानी, श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, उसे मार्गदर्शन करने के लिए मैं असमर्थ हूं। श्री कृष्ण सबका कल्याण चाहते हैं, वो रुक्मी का कल्याण निश्चित ही चाहते होंगे। उसका हाल पता नहीं, बहुत चिंता हो रही है मुझे। महारानी शुद्धवती, इसमें चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। रुक्मिणी का विवाह किसी सामान्य राजा के साथ नहीं हुआ है, पूरे विश्व की चिंता करने वाले योगेश्वर के साथ हुआ है। आप निश्चिंत रहिए। रुक्मिणी प्रिय, मुझे बताओ, शिशुपाल, पराक्रमी शिशुपाल तुम्हारे सौंदर्य से बिल्कुल ही मोहित हो गया था, और तो और वो एक पराक्रमी राजा भी है। तुम्हारे माता पिता की इस विवाह को सम्मति भी थी, फिर भी तुमने मुझसे विवाह किया। रुक्मिणी, मैं आयु में तुमसे ज्येष्ठ हूं, ऐसा होते हुए भी तुमने मुझसे विवाह किया। सच सच बताओ रुक्मिणी, क्यों? नाथ, ये प्रश्न पूछने का क्या कारण है? आप मुझे अंतर तो नहीं देना चाहते हैं ना? रुक्मिणी, क्या मैं ऐसा विचार कर सकता हूं? मैं जानता हूं तुम तुम्हारे अंतर्मन से मुझसे मोहित हुई हो। नाथ, पूरे जगत में आप ही मुझे सबसे प्रिय हो। पृथ्वी के किसी भी महान राजा से आपकी तुलना नहीं हो सकती। आप इंद्रियों के स्वामी हैं, सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिशाली हो। मैं आपकी जन्म जन्म की सखी हूं। आपकी सेवा करने का भाग्य मिला, वो भी आपकी ही कृपा से। सखे, मेरी हजारों पत्नियां हैं, लेकिन तुम्हारे जितना प्रेम ना कोई करता है ना कोई कर सकेगा। सखी, तुमने मुझे देखा तक नहीं था, फिर भी बहुत सारे गुणी और पराक्रमी राजकुमारों को छोड़ के तुमने मुझसे विवाह किया। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो रुक्मिणी, मांगो, जो चाहिए वो मांगो। मनमोहना, मुझसे आपका विरह सहा नहीं जाता। पल भर भी आप मुझे दिखाई ना दे तो ऐसा लगता है कि। क्या लगता है? श्याम सुंदरा, मुझे आपका प्रेम चाहिए, पर बाकी सब रानियों से थोड़ा ज्यादा। हाँ रुक्मिणी, ना माने, ना माने, ना माने, ऐसो भी कलंगर कर भर जोरी।
माते। हाँ भाव मुद्रा, कुछ कहा तुमने? आप ऐसे अकेले बगीचे में क्या कर रही है? ये रुक्मिणी की पसंदीदा जगह है, यहाँ के फूलों को उसका स्पर्श हुआ है, यहाँ के पंछी उसका पसंदीदा गीत गा रहे हैं। वो द्वारका अपने ससुराल गई है ना, फिर भी लग रहा है वो यही मेरे आसपास है, यहाँ के फूलों में, इस झरने में। पर माते, रुक्मिणी ससुराल गई है, ये कटु सत्य तो हमें मान्य करना ही होगा। पर सच कहती हूं, जब से रुक्मिणी ससुराल गई है, पूरा नगर तो जैसे सुना सुना हो गया है। हाँ भाव मुद्रा, बेटी का ससुराल जाना कैसा लगता है ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। बचपन से उसे फूल की तरह संभाला है और वो यहां से चली गई, उसकी याद में मन दुखी हो जाता है। माते, संभालिए खुद को, पर एक आनंद तो निश्चित है, रुक्मिणी को उसका मनपसंद जीवन साथी मिला। सच है, वही एक सुख है मन को। माते, महाराज भी रुक्मिणी के वियोग में दुखी हो गए होंगे। नहीं, उनके मन का दुख वो दिखा नहीं सकते, इतना ही। माते, आप चलिए, इस ग्रीष्म ऋतु की गर्मी आपको सहन नहीं होगी, चलिए। मुकुंद, हरे सिंगार के ये फूल आपको पसंद है ना? लीजिए, इनका स्वीकार कीजिए। सत्यभामा के लिए हरे सिंगार का वृक्ष अपने स्वर्ग से पृथ्वी पे लाया। अब मेरी भी एक इच्छा पूरी कीजिए। बोल राधे, जो चाहिए वो मांगो। मुकुंद, विष्णु अवतार में मैं आप पे मुग्ध हो गई, आपसे मिलने की मेरी इच्छा अब जाके पूरी हुई। तब आपने पूछा था क्या चाहिए तुम्हें, आपकी भार्या होने की इच्छा मैंने व्यक्त की, तब आपने कहा था राधे वो इतना सहज नहीं, उसके लिए 60,000 वर्ष तपश्चर्या करनी पड़ेगी। वो तपश्चर्या पूरी करके ही आज कृष्ण अवतार में मैं आपके साथ हूं, अब तो मेरी ये इच्छा पूरी करोगे ना? राधे, तुम्हारे निस्सीम प्रेम से मैं प्रसन्न हुआ हूं, मेरी प्राप्ति के लिए तुमने 60,000 वर्ष तपश्चर्या की। राधे, तुम्हारे जैसी प्रेमिका मिलना सौभाग्य की बात है। कृष्णा, आप तो आसमान से भी ऊंचे हो, अनादि अनंत हो, आपकी विशुद्ध प्रीति ही मुझे चाहिए हमेशा, अनंत काल तक। राधे, मेरी असंख्य पत्नियां हैं, फिर भी आज से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा अनंत काल के लिए, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। मुकुंद, इससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए, आपके नाम में ही मुझे विलीन होना है।
नारायण नारायण, भगवान आपकी लीला अपरंपार है। नारायण नारायण नारायण। ये मैं क्या देख रही हूँ? मुझे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। विश्वास रखना पड़ता है रुक्मिणी देवी, विश्वास रखना पड़ता है, और खासकर पत्नी को पति पर विश्वास रखना ही पड़ता है। आप उधर ध्यान मत दीजिए, अरे गृहस्थी मतलब ये सब होगा ही। ये कदापि संभव नहीं, श्री कृष्ण ने मुझसे झूठ बोला। अब मैं इस द्वारका में क्षण भर भी नहीं रहूंगी। नहीं ऐसा मत कीजिए देवी, अरे ये महाराज भीष्मक और यदुकुल के प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मुनीश्वर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरे मन को बहुत वेदना हुई है, मैंने जिसे बहुत प्यार किया उसने ही मुझे धोखा दिया। नहीं, इस जगत में प्रेम नहीं था, नहीं है और नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ व्यवहार है, सिर्फ व्यवहार। जाओ बताओ आपके द्वारकाधीश को, इसके बाद रुक्मिणी उन्हें कभी नहीं मिलेगी। नहीं देवी, देवी। नारायण नारायण। भगवन, हे भगवन, भगवन। भगवन, हे भगवन, हे द्वारकाधीश मुकुंद, प्रणय से बाहर आइए और मेरी बात सुनिए। मुनिवर ऐसे चिंता में क्यों हूँ? अरे अनुचित शब्द अनुचित समय पर अनुचित जगह पर बोलने के बाद संकट आता है, यही सच है। मुनिवर क्या हुआ है ये तो बताइए। मैंने कुछ अनुचित बोला मुकुंद, अनुचित बोला। नारायण नारायण, रुक्मिणी देवी के प्रेम की परीक्षा लेने चला लेकिन मेरी ही परीक्षा हो गई। हे योगेश्वर, कुछ समय पहले आप राधा रानी के साथ क्या कहते हैं प्रणय कर रहे थे, उसका वर्णन मैंने रुक्मिणी देवी को बताया। मुनिवर इन स्त्रियों का स्वभाव नहीं पता, यही सच है। किंतु हे मुकुंद, महल छोड़कर जाने वाले रुक्मिणी देवी को रोकिए, कृपा कीजिए, नहीं तो इस नारद पर पति पत्नी के विरह का आरोप होगा। हे मुकुंद उन्हें रोकिए। मुनिवर आप चिंता मत कीजिए, निश्चिंत रहिए, रुक्मिणी का हम पे निस्सीम प्रेम है। उन पर कितने भी अन्याय हो जाए फिर भी द्वारका नगरी के हमारे इस महल से ही नहीं लेकिन हमारे शयन गृह की सीमा भी वो पार करके कहीं नहीं जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। नारायण नारायण। महाराज क्या हुआ पता नहीं, पर जाते समय बहुत गुस्सा थी वो, बहुत ज्यादा। उनके आंखों में जैसे अश्रुओं की बाढ़ आई थी, गुस्से से लाल हो गई थी वो। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। सिर्फ इतना ही कह गई, अब फिर द्वारका का दर्शन नहीं। Thank you.
गेली रुक्मिणी श्री कृष्णासी सोडून या गेली रुक्मिणी श्री कृष्णासी मनी उदास होई श्री हरि त्या क्षणासी मनी उदास होई श्री हरि त्या क्षणासी मनी उदास होई श्री हरि त्या क्षणासी घेऊन वेश गोपाचा वण वण फिरतो घेऊन वेश गोपाचा वण वण फिरतो. हे सत्पुरुष, मुझे बताओ यहां से किसी स्त्री को जाते हुए देखा? हाँ देखा है, वो बहुत सुंदर थी. उसकी आंखों में से अश्रु बह रहे थे लेकिन चेहरे पे तो बहुत गुस्सा था. मुझे बताओ उसने कुछ कहा तुमसे? नहीं, ऐसा कुछ मैंने पूछा तो नहीं. सच पूछो तो उसके चेहरे की तरफ देखने के बाद उससे कुछ पूछने का साहस ही नहीं किया मैंने. लेकिन आप इतना क्यों पूछ रहे? वो आपकी कोई रिश्तेदार है क्या? हाँ. तो फिर आप देर मत कीजिए, इस जंगल में बहुत सारे राक्षस है, चलिए ढूंढते उनको, चलिए. वेश गोपाचा वण वण फिरतो द्वारकाधीश जरी स्वामी जगाचा असतो द्वारकाधीश जरी स्वामी जगाचा असतो मनी उदास होई श्री हरि त्या क्षणासी मनी उदास होई श्री हरि त्या क्षणासी. कृष्णा, मुझे ये बताओ तुमने रुक्मिणी भाभी से झगड़ा क्यों किया, बताओ ना. अरे मित्र, वो मेरी सखी है, प्यारी सखी, मैं क्यों झगड़ूंगा उससे? तो क्या वो ऐसे ही द्वारका टोल के चली गई? सच सच क्या है बताओ. अब कैसे बताऊं मित्र, मुझे तब पता है, मैं होशियार हूं, बताओ बताओ. मित्र पेंद्या, राधा राधा ये मेरी भाव सखी है, जन्म जन्म की भाव सखी, मेरी प्राप्ति के लिए हजारों वर्ष की तपश्चर्या की. राधा यानी इस विश्व का विशुद्ध प्रेम का सत्य रूप. कितना मुझे यहाँ वहां की बातें बताकर मत उलझाओ, जो भी है सच सच बताओ बताओ. अरे पगले, राधा के साथ प्रणय करते हुए रुक्मिणी ने हमें देख लिया था. आले आले आले, लेकिन ये कैसे हुआ? हाँ, इसीलिए रुक्मिणी भाभी गुस्सा होकर चली गई. भला भले भला भले. हाँ पिंडिया, रुक्मिणी गई और हमारा मन बहुत दुखी हो गया, मन कहीं भी नहीं लगता. लेकिन कितना तुम बिल्कुल चिंता मत करो. मैं हूं ना, तेला दो तू ना, मैं तेले तात हूं. आओ ना आओ, हम तब मिलके जाते हैं ढूंढने को. चलो चलो दोस्त. Thank you.
कितना ये कितना कितनी सुंदर है वायले एकदम अच्छी। हम लोग यहीं पे विश्राम कर ले क्यों ले दोस्तों हा? नहीं तो हम सब मिलके यहाँ पे गोपाल काला करते हैं। चलो 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 बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। चलो चलो हाँ चलो चलो जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा जय गोपाला जय गोविंदा बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। लो काला का प्रसाद लो। वाह 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 मित्र परिवार गोप गोपाल आनंद ले रहे हैं। हाँ 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 लेकिन इस आनंद के क्षण पर कृष्ण कन्हैया रुक्मिणी देवी को भूल तो नहीं गए। देखना ही होगा। नारायण नारायण। मुनिवर आइए आइए। मुनिवर भगवन इस रम्य उपवन में आपको देखकर बड़ा आनंद हुआ। ये दृश्य बहुत सुंदर है। हाँ लेकिन इसमें एक कमी है। कमी? कौन सी कमी मुनिवर? हे भगवन आपकी प्रिय पत्नी रुक्मिणी देवी अगर आज यहाँ आपके साथ होती तो और अच्छा होता। हाँ लेकिन भगवान को भी नसीब होता ही है। नारायण नारायण। मुनिवर हमें लगता है रुक्मिणी इस दिंडिर वन में ही होगी। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। किंतु हे भगवान इस दिंडिर वन में एक अद्भुत भक्त है। उसका नाम पुंडलीक। युवा आयु में उसने माता पिता का बहुत छल किया किंतु उसके बाद वो माता पिता के सेवा का महत्व जान गया। अब इस भीमा के तट पर वो माता पिता की सेवा कर रहा है जैसे उनकी सेवा का व्रत ही लिया हो उसने। माता पिता के सेवा का व्रत? उसके सिवा उसे कुछ भी नहीं दिखता। मुनिवर हाँ? अगर हम उससे मिलने गए तो वो हमसे बात करेगा ना? आप जाकर तो देखिए अनुभव कीजिए। अनुभव कीजिए माता पिता के सेवा व्रत का। ठीक है मुनिवर हम पुंडलिक से मिलने जाएंगे। अवश्य जाएंगे। नारायण नारायण। पुंडलिक पुंडलिक मैं श्रीहरि श्रीहरि तुम्हारे द्वार आया हूं।
द्वारिका का राजा श्री कृष्ण। पुंडलीक, हाँ जानता हूं मैं, पर मेरे माता पिता आराम कर रहे हैं, कृपा करके उनकी निद्रा भंग मत कीजिए। नहीं तो आप ऐसा कीजिए, तब तक आप इस ईंट पर खड़े रहिए। पुंडलीक, ईश्वर से माता पिता महान लगते हैं तुम्हें? निश्चित ही भगवान, जन्म देने वाले माता पिता भगवान से भी श्रेष्ठ होते हैं। उनकी सेवा करना यही जगत में सबसे पुण्य कर्म की बात होती है। आह पुंडलीक, तुम्हारी ये माता पिता की सेवा देखकर मैं धन्य हो गया हूं, तुम पर मैं प्रसन्न हूं। मांगो पुंडलीक, जो चाहिए वो मांगो। भगवान, मां बाप की सेवा करके मुझे जो आनंद मिला है उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जैसे कई भक्तों को आपका दर्शन हो, इसलिए आप इस ईंट पर ऐसे ही खड़े रहिए युगो युगो तक। ईश्वर, हे परमेश्वर, अरे मैंने भक्ति से प्रेम भाव से आपको इस ईंट पर खड़ा किया है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पर भगवान, रहोगे ना यहां? आप थक तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं पुंडलीक, नहीं। अरे भक्तों को दर्शन देना, इसी में हमारा आनंद है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। अरे पुंडलीक, जहां भक्त वहीं ईश्वर का अस्तित्व होता है। 28 युग, अरे 28 युग हम इस ईंट पे खड़े रहेंगे और भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान, इसी में हमारा आनंद है। आप धन्य हो भगवान। युगे 28 विटेवरी उभा, वामांगी रखुमाई दिसे दिव्य शोभा। पुंडलिकाचे भेटी परब्रह्मालेगा, चरणी वाहे भीमा उद्धरी जगा। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय पांडुरंगा ओ हरि पांडुरंगा। रखुमाई वल्लभा राई चा वल्लभा, पावे जीवलगा। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय पांडुरंगा हरि पांडुरंगा। रखुमाई वल्लभा राई चा वल्लभा, पावे जीवलगा। जय देव जय देव। तुलसी माला गळा कर ठेवनी कटी, कासे पीतांबर कस्तुरी लल्लाटी। देव सुरवर नित्य येति भेटी, गरुड हनुमंत पुढे उभे राहती। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय पांडुरंगा हरि पांडुरंगा। रखुमाई वल्लभा राई चा वल्लभा, पावे जीव लगा। जय देव जय देव। धन्य वेणुनाद अनुक्षेत्र पाळा, सुवर्णांची कमळे वनमाळा गळा। राई रखुमा बाई राणी या सकळा, ओवाळी ती राजा विठोबा सावळा। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय पांडुरंगा हरि पांडुरंगा। रखुमाई वल्लभा राई चा वल्लभा, पावे जीव लगा। जय देव जय देव। ओवाळू आरत्या कुरवंड्या येती, चंद्रभागे माजी सोडुनिया देती। दिंड्या पताका वैष्णव नाचती, पंढरीचा महिमा वर्णावा किती। जय देव जय देव जय देव जय देव, जय
वल्लभा राई च वल्लभा पावे जीव लगा जय देव जय देव। आषाढ़ी कार्तिकी भक्त जनयेति हो साधु जनयेति चंद्रभागे मध्य स्नान जे करीति दर्शन हेळा मात्रे तया होय मुक्ति केशवासी नाम देव भावे वाळीती जय देव जय देव जय पांडुरंगा हरि पांडुरंगा रघुमाई वल्लभा राई चा वल्लभा पावे जीव लगा जय देव जय देव। सुंदरते ध्यान उभे विते वारी करकटे वरी ठेवुनिया करकटे वरी ठेवुनिया करकटे वरी ठेवुनिया। तुळसी हार गळा कासे पीतांबर आवडे निरंतर घेची ध्यान आवडे निरंतर हेची ध्यान आवडे निरंतर हेची ध्यान।